सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास चल रही है अभी की, चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। किस देश ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्लीपिंग लाइसेंस के साथ व्यापार करने के लिए ईरान, चीन और यूएई के खिलाफ एक, यूनाइटेड किंगडम भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। कैसे होगा आपको समझाएंगे आप। करेक्ट आंसर अमेरिका। अमेरिका में हाल ही में ईरान, चीन, संयुक्त राज्य अरब और अमीरात से संबंधित कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। ये प्रतिबंध इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्लीपिंग लाइसेंस और पारंपरिक हथियार प्रसार से जुड़ी तीन अन्य ईरानी संस्थाओं के साथ व्यापार करने के लिए लगाया गया प्रतिबंध। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने सदस्य के देशों को डेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से निवेश धोखाधड़ी के खिलाफ पर्पल नोटिस जारी किया। किस देश ने किया? इंटरपोल ने। इसका सही आंसर इंटरपोल होगा। ए इसमें दे रखा है UNFICCC, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सी विश्व व्यापार संगठन। इसमें सही आंसर इंटरपोल होगा। कैसे होगा इसमें बताते हैं। करेक्ट आंसर इंटरपोल। इंटरपोल ने अपने सभी सदस्य देशों को पर्पल नोटिस जारी किया कि ये नोटिस सभी सदस्य देशों की डेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से निवेश धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी देता है। एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। मोसरलो रेवलो डी सूसा को किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस। सही आंसर पुर्तगाल होगा। सही आंसर पुर्तगाल। मोसरलो रेवलो डी सूसा को पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया कि उन्होंने 60.7% वोट के साथ चुनाव जीता गया, इस कारण से चुना गया फिर से। कवाड चार देशों का एक समूह है, भारत, चीन, जापान और कौन सा देश आ गया अगला? रूस, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। इसमें ऑस्ट्रेलिया आएगा। सही आंसर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कवाड़ी की एक वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया और कवाड़ा चार देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समूह था। चीन की आक्रमणों से निपटने और हिंद प्रशांत क्षेत्र की ताकत बढ़ाने के लिए कवाड़ा एसोसिएशन को वर्ष 2014 में पुनर्जीवित किया गया था, ये कारण था इसका। अगला क्वेश्चन है। आदिवासी कलाकार का 17,000 साल पहले बनाई गई ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई थी? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ग्रीस। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई गई। सही आंसर। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी कलाकारों का 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक कंगारू पेंटिंग की पहचान की गई। इसके ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी अक्सुस चट्टान कला होने का दावा किया गया था। 2 मीटर लंबी वह कलाकृति पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरी क्षेत्र में पाई गई थी।
हाल ही में खबरों में दिखने वाली सामिया सुलूसीम हसन ने किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ब्राज़ील, ईरान, इराक और तंजानिया। इसका सही आंसर होगा तंजानिया। 61 वर्ष की सामिया हुल हसन ने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जॉन मंगुफुली का स्थान लिया और जिनका हाल ही में निधन हुआ। तंजानिया एक पूर्व अफ्रीका राष्ट्र है जिसे राजधानी डोडोगाम में इसकी राष्ट्रीय भाषा स्वाहिली है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में उन्नत यूरेनियम संवर्धन केंद्र का अनावरण किया? अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, ईरान। इसका सही आंसर होगा ईरान। ईरान सरकार ने हाल ही में उन्नत यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज का अनावरण किया और कहा गया कि उसने एक नई सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया शुरू की गई। 3 सेंट्रीफ्यूज अर्थात 164 IR6, 30 IR5, 30 IR6 डिवाइस को नाटाजा की यूरेनियम संवर्धन संयंत्र में रखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है? अमेरिका, UAE, जापान और इजराइल। एक राइट आंसर होगा इजराइल। निम्बस इजराइल की एक प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है जिसका उद्देश्य सरकार, रक्षा प्रणाली और अन्य क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं के लिए एक समाधान प्रदान करना। हाल ही में इजराइल की सरकार ने देश की सार्वजनिक क्षेत्र और सेना की क्लाउड सेवाओं को प्रदान करने और 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के प्रोजेक्ट के लिए अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा विचकॉम अलापिन किस देश के संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया? जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके। एक राइट हो गया यूके। विचकॉम उल्कापिंड का एक टुकड़ा जो करीब 2021 ब्रिटेन के विचकॉम शहर में गिरा था उस राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। फरवरी में पश्चिम ब्रिटेन में लगभग 6 सेकंड के लिए एक आग का गोला पूर्व आकाश में दत्त करते हुए दिखा गया और ग्लासगो यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 103 ग्राम किला का चट्टान का टुकड़ा मिला। ये उल्कापिंड लगभग 5.5 साल पहले सौर मंडल के जन्म के समय का है। किस देश ने पर्यावरण एजेंसी में इंटरनेशनल निटिगेशन एंटिवेशन की मेजबानी 2021 की? फ्रांस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहले मेजबानी जर्मन की संघीय पर्यावरण एजेंसी द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के 8वीं रिवासी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये वर्चुअली 31 मई से 3 जून 2021 तक आयोजित की गई। थैंक यू, धन्यवाद हमारी क्लास को देखने के लिए। अगली क्लास को जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए।